ये एक साबर पूरे भाजपा पर कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए पूरे गुजरात का चुनाव एक तरफ, जमालपुर का चुनाव एक तरफ, पूरे दुश्मन, पूरे चोर, पूरे डाकू, चोर डाकू एक होकर दे ललचावी नजर से देख रहे हैं। अगर साबर जीत गया तो हम चोरी नहीं कर सकेंगे, अगर साबर जीत गया तो डाका डाकू बोल रहा है कि डाका नहीं डाल सकेंगे। भाजपा देख रही है, मोदी दिल्ली से दूरबीन लगाकर देख रहा है कि जमालपुर में क्या मामला है। अगर साबर जीत गया तो मोदी को मालूम ये साबर अब गर्म हो चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। इसीलिए पूरे गुजरात के चुनाव की नजर अब जमालपुर पर है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, यहां पर मुकाबला भाजपा का और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का है। यहां पर मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार का और साबर का है। यहां पर मुकाबला आपके भाई, आपके बेटे, आपके दीवाना ओवैसी का मोदी के साथ है। अब आप हमारी इज्जत की लाज रख लो। आप क्या चाहते हैं कि भाजपा जीत जाए यहां से? क्या आप चाहते हैं कि साबर हार जाए भाजपा के सामने? क्या आप चाहते हैं कि आपके इस इलाके का, आपके महल्ले का बेटा भाजपा के सामने गिर जाए? क्या आप चाहते हैं कि ओवैसी हार जाए मोदी के सामने? बोलो, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं मोदी के सामने? जवाब दो, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? तो नहीं तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे? वहां से आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या करोगे? उस बिल्डिंग से आवाज आनी चाहिए, क्या करोगे? चीपावाड़े के हर घर से आवाज आनी चाहिए, हर बिल्डिंग से आवाज आनी चाहिए कि चीपावाड़े की, जमालपुर की, घर घर की एक ही आवाज है कि जमालपुर में साबिर, जमालपुर में साबिर, जमालपुर में साबिर, और कोई नहीं, बाकी सब खत्म, और साबिर और पतंग आबाद और कामयाब। तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये पूछो कांग्रेस के लोगों से, अभी टाइम है, मैं अभी गर्म हुआ हूं, आई एम गेटिंग वार्म्ड अप। आप जरा 150 की रफ्तार से बॉलिंग, साबिर तो नहीं ठंडा होगा कांग्रेसियों। तुमने एक शेर को जख्मी कर दिया है, जंगल में जब जख्मी शेर निकलता है ना तो सब बोलते हैं कि शेर जख्मी हो गया, अब मुश्किल होगा। तुमने अच्छा किया, मेरे शेर को तुमने जख्मी कर दिया, अब ये जख्मी शेर निकलेगा, अब ये जख्मी शेर पहले से ज्यादा अपनी मकसद में कामयाबी हासिल करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, क्या आप पूरे मुत्तहिद हो गए? क्या आप एक हो गए? पूरा चीपावाड़ा एक हो गया है? एक हो गए, एक हो गए, दिल मिल गया, दिमाग मिल गया, सब भाई भाई हो गए, सब भाई भाई हो गए। तो फिर हाथा उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब कांग्रेसियों को तो तुम तो गयो, तुम्हारा किस्सा खत्म। अभी अब इंशाअल्लाह ताला
इसी गर्मी को आपको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि घर जाकर शैतान बोलेगा कान में, ए ओवैसी का भाषण सुन के जज्बाती नहीं होना। शैतान जो है ना वो खुसखुस करता है कान में। हम इसीलिए कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसा कोई खुसखुस करेगा तो उसके मुंह पे बोलना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते मालूम? और इधर भी है, आई एम सॉरी नहीं देखा आपको, थैंक यू। वो लोग क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो लोग क्या बोलते मालूम? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहीम बोलते। उसके दोस्त है वो, उसके दोस्त है, उन्हें बड़ा, उसके चेले हैं ये, उसके बहुत से चेले हैं। तो इनसे बचिए, इस गर्मी को 102 हरारत साबिर ने पैदा कर दी, मैं थोड़ा और इजाफा कर दिया हूं, तो इस टेम्परेचर को बरकरार रखिए, इस गर्मी को बरकरार रखिए, इस जोश को बरकरार रखिए। और मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने आज इन जालिमों ने जो हरकत की, इनका असली चेहरा आपके सामने आ गया। जो मैं पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि रब्बुल आलमीन इन जालिमों का असली चेहरा इनके सामने दिखा दे, मैं जो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इन जालिमों को हमारे सामने इनकी हरकत दिखा दे, तो अल्लाह ने आपको दिखा दिया कि वो लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके समाज को मिटाना चाहते हैं। अरे उठो चीपावाड़ी के गयूर लोगों, आज अगर नहीं उठोगे तो कब उठोगे? तुम्हारी 723 फैक्ट्रियां ये कांग्रेस ने बंद करा दिए, अगर तुम जागोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियां खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर आज बेहोश रहोगे तो ये लोग हमको बर्बाद कर देंगे। आपको उठना है, जागना है, और 5 तारीख के दिन पूरे होश आवाज के साथ पूरे जमालपुर की जनता को आपको एक साथ होकर वोट देना है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, साबिर एमएलए बनेगा तो अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं और वोटों की वजह से साबिर एमएलए होगा इंशाअल्लाह, मगर साबिर का रिमोट कंट्रोल ओवैसी के पास होगा। साबिर भाई, आप जब जीत जाएंगे, महीने में एक मर्तबा मैं जमालपुर को आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और इन गरीबों के दरमियान में आपको खड़ा करके पूछूंगा रोड पर, बताओ साबिर जो हमने वादे किए थे इलेक्शन में, तुमने इन गरीबों का कितना काम किया? आप इसको मंजूर करते हैं? आप चाहते हैं कैसा हो? आप चाहते हैं कैसा सिस्टम हो कि महीने में एक मर्तबा मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, और इसी बाजार में साबिर को खड़ा करके पूछेंगे, बताओ साबिर तुमने क्या किया गरीबों के लिए? ना सिर्फ इस बस्ती में बल्कि पूरे जमालपुर में ऐसा ही होगा। साबिर सामने खड़े रहेगा, मैं कुर्सी डाल कर बैठूंगा, और जनता आके साबिर की आंख में आंख डाल कर कहेगी, बताओ ये हमारा काम है, तुम करोगे या नहीं करोगे? और तुम डिमांड करोगे साबिर से, साबिर तुम्हारा गुलाम होगा, साबिर तुम्हारा नौकर होगा, तुम आखा हो, हम खादिम हैं, हमारा काम गरीबों की खिदमत करना है। तुम डिमांड करोगे, हम उस डिमांड को पूरा करेंगे काम के एतबार से। तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं अल्लाह से आखिर में दुआ करता हूं कि या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या लतीफ, या लतीफ,
या अल्लाह आप रज़ाक हैं, या अल्लाह आप मालिक हैं, या अल्लाह आप रहमान हैं, या अल्लाह आप यासीन हैं, आप कुद्दूस हैं, या अल्लाह आप रज़ाक हैं। रब्बे करीम हमारे दिलों को मिला दीजिए या अल्लाह। अल्लाह हम आपके सामने आपसे भीख मांग रहे हैं, या अल्लाह हम बेसहारा हैं और अल्लाह, या अल्लाह ये लोग जुल्म के साये में हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को पाला है, या अल्लाह जालिमों के जुल्म के साये में हमारी माओं ने इन बच्चों को पाला है, या अल्लाह कामयाबी देना आपका काम है। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी अगर तू मजलिस को गुजरात में कामयाब कर दे। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी अगर तू मजलिस को कामयाब कर दे। अल्लाह हम ये कामयाबी अपने साथ के लिए नहीं, या अल्लाह हम इन गरीबों के इंसाफ के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हम आप अपनी जात के लिए नहीं, इन जालिमों के से छुटकारे के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। या रब्बुल आलमीन, या रहमान रहीम, या रज़ाक, या लतीफ, या लतीफ, या लतीफ। अल्लाह हमको कामयाबी से हमकिनार कर दे। अल्लाह साबिर को एमएलए बना उसकी जात के लिए नहीं बल्कि इन गरीबों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे कमली वाले का। अल्लाह तुझे वास्ता है रहमतुल आलमीन का। अल्लाह तुझे वास्ता है सब गुम्मत के मकी का। हम गुनाहगार हैं मेरे रब, मगर तू गफूर रहीम है। अल्लाह हमारे दिलों का हाल तू जानता है। या अल्लाह मुझे इल्जामात की परवाह नहीं, जो इल्जाम लगाता है जालिम लगाने दीजिए। अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानने वाला है। अल्लाह तू मेरी नीयत से वाकिफ है। परवरदिगार जमालपुर से साबिर को गरीबों के इंसाफ के लिए, मजलूमों के इंसाफ के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, वो फैक्ट्रियों को खुलाने के लिए, या अल्लाह साबिर को जमालपुर के मिले बना दे। या अल्लाह साबिर को जमालपुर के मिले बना दे। या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, परवरदिगार तू गफूर रहीम है, तू रहमान है, तू रहीम है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोग हमारे दिलों को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं, या रब्बे करीम तू उनको देख ले। अल्लाह तू उनको देख ले। तू साबिर के दिल का भी हाल जानता है, तू ओवैसी के भी दिल का हाल जानता है। अल्लाह हमारे नेक मकासिद में हमको कामयाब और कामरान कर दीजिए। अल्लाह 5 तारीख को पूरे जमालपुर की आवाम में मजलिस की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह अल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे, ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे, कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे, ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे, ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों की एक ताकत मिले अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं अल्लाह, तू रज़ाक है, तू हय्यू कय्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे, साबिर को इन गरीबों के लिए,
मजलूमों के लिए, जालिमों से लड़ने के लिए यहां के एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये दो हाथ दिए हैं और आवाज दी है, मैं इन हाथों से जोड़ता हूं और तुम्हारे सामने अल्लाह से दुआ भी करता हूं और तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। मेरे भाई, मेरी जिंदगी कब तक है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए साबिर को कामयाब कर लो, अपनी औलाद के लिए साबिर को कामयाब कर लो। पतंग के निशान पर बटन दबाओ, और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जमालपुर की, तो इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के दिन जमालपुर के आसमानों पर क्या नजर आएगा, किसका नाम उठेगा, तो जमालपुर की फिजाओं में साबिर और पतंग, साबिर और पतंग, बाकी सब हटाओ। अस्सलाम वालेकुम।